घर के अंदर बंद इस तेंदुए की दहाड़ को सुनिए। और खिड़की के बाहर फोन के कैमरे से वीडियो बनाते शख्स को देखिए। लेकिन इसे किसी फिल्म की शूटिंग समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तस्वीरें अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र की हैं। कुछ और बताएं उससे पहले 24 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आपको ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह खुली सड़क पर इस तेंदुए को दौड़ते देखा जा रहा था, वो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। तस्वीर सुबह 9 बजे की है, जब लोग अपने अपने घरों में सर्दी में सो कर उठे ही थे। किसी ने गांव में तेंदुए देखने की बात कही तो दूसरे लोगों ने मजाक समझा। तभी ये तेंदुआ गांव की खाली सड़क पर खुलेआम लोगों को दौड़ता दिख गया। फिर क्या था, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और देखते ही देखते पूरा गांव सुनसान हो गया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची, जिस पर गांव के लोग काफी आक्रोशित हो गए। लेकिन तेंदुए को पकड़ना जरूरी था। वन विभाग ने जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, उस घर के बाहर लोगों का मेला लग गया, जिसमें तेंदुए को बंद करके रखा गया था। गांव वालों ने जानकारी दी है कि सुबह सुबह जंगल की ओर से तेंदुआ गांव में आ गया और घर के बाहर बैठे एक शख्स पर इसने हमला बोल दिया। इस हमले में एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। तेंदुआ आया तमाम। अच्छा, आपने देखा? हाँ। मतलब सबसे पहले आपने देखा? हाँ। आप क्या कर रहे थे वो? हम कहीं आंकने जा रहे थे, हमने देखा, हमने तो ये कुत्ता समझा था। अच्छा, फिर हम जा रहे थे, डंडा मारा हमने। आप अकेले थे, कोई और भी था? हम अकेले थे, डंडा मारा उसने, हम पीछे भाग जाए तो भागने वाले, तो उनने हमारी कमर पकड़ के गिरा दिया। अच्छा, तो आपको काट लिया? हाँ। फिर हम खड़े होकर जब बज गया ना, वो छत्ते को पलंग कर जब आए हम गांव की तरफ, तो गांव में आ गए अंदर। हाँ। ये घटना, हम यहाँ पे ताप रहे थे या इस जगह पर घेर में, ये देखा क्या कहते हैं, ये गिराया खेत में, उसने झपट मारी उस पर पीछे से, ये भागा अपनी जान बचा कर वहाँ से, इस पर झपट मारी, फिर क्या कहते हैं, हम सब ने हल्ला मचाया, यहाँ से भागे, वो झपट मारी इस पर, झपट मार के तुरंत निकल गया वो, ये गली मुँह नहीं मारा इस पर। हाँ, फिर सारे भागे, जब क्या कहते हैं, ये आया जब निकल गए। अब कहाँ है वो चीता? चीता अब ये गांव की तरफ निकल के उधर है, पल्ली तरफ, हवेली की तरफ, कमरे में घुस गया है, उधर बंद है, बंद है। तो उसमें और परिवार भी है क्या? हाँ, तीन लोग बता रहे हैं, उसी में कमरे में बंद है, उसी कमरे में इनके चैने क्या बता रहे, उसी में बंद है। जब ग्रामीणों ने शोर मचाया तो तेंदुआ दूसरी तरफ भागा और एक घर में घुस गया। घर में घुसते ही एक ग्रामीण ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे घर के अंदर ही बंद कर दिया और ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन कर दिया। जिस घर में तेंदुए को बंद किया गया, उस घर में ही परिवार के सभी लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने आप को घर के किचन में बंद कर रखा था। और ये जमा से आया है, मतलब जंगल से निकला है, मतलब अंदर गाँव में बच्चे ताप रहे थे, यहाँ से उस पर हमला किया है, तो उनने जो ताप रहे थे उनने वो बचा लिया बच्चा जो, हाँ, उस पर अड़के आया। फिर वहाँ जो ताप रहे थे यहाँ पे आग पे बैठ के, ये 9:30 बजे की घटना है। फिर ये अंदर की तरफ भाग गया है, किसी ने गौर नहीं किया इसका, फिर ये हमारी घर की तरफ गया, फिर उधर से फिर वापस किया इसने, फिर मैं घेर से आ रहा था, मैं इसके पीछे पीछे, तो ये एक मतलब पड़ोसी के घर में घुस गया है, तो उसमें मैं पीछे पीछे गया हूँ, तो उसमें उनसे मैंने बताया, वो मजाक समझ रहे थे, तो फिर उनको उनने देख लिया, तो उन्होंने तुरंत किवाड़ बंद कर लिया, तो बाहर से मैंने किवाड़ बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अब मैंने बंद किया है, वो अंदर है उसमें, तीनों जने। हाँ, वो लड़की मैंने अंदर बाहर निकाली थी। हाँ, बाहर आ गई थी तुरंत ही। अब उनकी एक माँ है और उनकी एक बहन है और उनके जो हस्बैंड है वो। ये तो गनीमत रही कि तेंदुए के बाहर निकलने से पहले ही वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग ने काबू में कर लिया है और गांव के लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। अलीगढ़ से ओनली भारत के लिए खालिक अंसारी की रिपोर्ट।